फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 1 मई। तो आज है बच्चों का स्कूल का छुट्टी। तो आज बच्चों को फरमाइश है कि वो पॉपकॉर्न चीजी मैगी खाएंगे। तो मैं ये पहली बार बना रही हूँ, तो पहले पानी में डाल देना है पॉपकॉर्न को। फिर इसे चलाते हुए पॉपकॉर्न को पानी में अच्छी तरह से मिला लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे मैगी। तो यहाँ मैं 3 पैकेट मैगी ली हूँ। तो अब तो यहाँ हम पॉपकॉर्न 2 या 3 पैकेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 ही पैकेट ली हूँ। और इसको पूरा पानी में मिला लेना है, जिससे पानी में पूरा हिल मिल जाए। और अब इसमें हम डालेंगे मैगी को, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। मैं तो पहली बार बना रही हूँ, आस्था बनाती थी तो मैं खाती थी, बहुत टेस्टी लगता था। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ऐसे पॉपकॉर्न डाल के मैगी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब इसमें मैं डालूँगी मैगी मसाला। तो इसमें मैगी मसाला डाल दी, और ऊपर से भी आप जितना मन उतना मसाला डाल सकते हैं, जो जो आपके घर में मसाला है वो डाल सकते हैं, तो और भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ हल्दी पाउडर डाली हूँ, नमक डाली हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिलाते रहना है। और ज़्यादा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज भी डाल देने से बहुत टेस्ट बढ़ जाता है मैगी का। अब ये प्याज मैं डाल दूँगी मैगी में, और प्याज डालकर भी 2-3 मिनट तक पकाना है प्याज को भी और मैगी को भी। तो हमें थोड़ा ग्रेवी वाला मैगी चाहिए था, इसीलिए पानी मैं ज़्यादा डाली हूँ। अगर सूखा मैगी खाना होगा तो पानी कम डालना होगा। तो ये हमारा मैगी बिल्कुल तैयार हो चुका है। और मैगी को और टेस्टी बनाने के लिए हम लोग मैगी के ऊपर से डालेंगे लेज। तो लेज डालने के बाद मैगी हमारा और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग्स ख़त्म करती हूँ, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आदि को बहुत पसंद